हेलो अभी वन वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ एक टमेटो सीरम ये सीरम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये हर किसी के स्किन को सूट करेगा तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है इसे प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का टमेटो लिया है अब इसे हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे सीरम्स बहुत लाइट वेट होते हैं और ये स्किन में डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि ये हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है अगर हम टोमेटो की बात करते हैं तो ये स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है ये एक नेचुरल क्लिनजर की तरह वर्क करता है और ओपन पोर्स को भी रिड्यूस करता है इसे हमने पीसेस में कट कर लिया है अब हम इसे ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हमें इसका जूस चाहिए अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे मैश करके भी फिर कॉटन के कपड़े से इसे छान के इसका जूस निकाल सकते हैं यहाँ पर मैं स्टेनर का यूज़ करके इसका जूस निकाल रही हूँ और आपको इसका पल्प यूज़ नहीं करना है सिर्फ़ हमें अपने सीरम बनाने के लिए इसका जूस यूज़ करना है इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे एलोवेरा जेल यहाँ पर मैं नेचुरल एलोवेरा जेल नहीं ले रही हूँ ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रही हूँ क्योंकि इससे इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है अगर आप अपना सीरम को जल्दी ख़राब नहीं होने देना चाहते तो आप मार्केट का एलोवेरा जेल यूज़ करें और इसके बाद में इसमें वन टीस्पून स्पून मिक्स कर रही हूँ ग्लिसरीन फेस के लिए बहुत अच्छी होती है ये फेस से रिलेटेड जो भी आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है उसे दूर करती है और एक बहुत अच्छी सी ग्लो और शाइन लेके आती है फेस पे इसे मिक्स कर देंगे और ये हमारा फ़ेस सीरम बन रेडी हो गया है आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और एक वीक तक आराम से यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसे समर के टाइम पर बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करें इससे ये ख़राब नहीं होता है इसे आप दिन में दो टाइम यूज़ कर सकते हैं बट इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप रात में सोने से पहले इस सीरम को अप्लाई करें और ओवरनाइट इसे रखें और नेक्स्ट मॉर्निंग में वॉश कर दें आई होप यू लाइक माई वीडियो डैन डोंट फोर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग